हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं पाया बनाने के लिए। ये पाया इस तरीका से एक बार पाया बना के आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही टेस्टी पाया बनता है। अभी मैंने एक देगची में पाया लिया हुआ है और अब इसमें मैं लहसुन डालूंगा, जो तकरीबन आठ लहसुन छिला हुआ है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने। और इसमें इसके जा करके तकरीबन 1 किलो प्याज है, इसे मैंने बहुत अच्छे से छोटे छोटे बारीकी में काटा हुआ है। उसके बाद मैं पूरा प्याज डाल दूँ। और उसके बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देता हूँ। 8-10 हरी मिर्च है और 4 टमाटर हैं, जो बिल्कुल सही बड़े बड़े फाँक में कटे हुए हैं पीस में। अब मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड किया है 3 चम्मच। अब इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगा। उसके बाद नमक ऐड करना है 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार ऐड करना है। और उसके बाद अभी ये जीरा पाउडर है, ये गरम मसाला, ये है धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, इसे काली मिर्च का पाउडर भी बोलते हैं, और ये चिली फ्लेक्स, और ये है खड़ा मसाला, जैसे कि तेज पत्ता हुआ, और लौंग है, इसमें मोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। ये सब मैंने एक साथ डाल करके अब मैं इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगा। एक बार अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगा तकरीबन 2 घंटे के लिए, क्योंकि मैं देगची में बना रहा हूँ। मैं कुकर में बनाता तो जल्दी बन जाता, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रहा हूँ। ये बहुत अच्छा बन गया है, एकदम कितना अच्छा देखने में लग रहा है। सही से घुल भी गया है ये बहुत अच्छी तरीका से। ये अभी इसमें 2 चम्मच मैं ऑयल ऐड करूँगा। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगा, फिर मैं कवर कर दूँगा इसको, सही से कवर कर करके पहले सही से मिक्स कर लूँगा, उसके बाद फिर कवर करके मैं कवर कर दूँगा इसको। और ये निकला बहुत अच्छा देखने में लग रहा है, ये देखो ऑयल से कितना अच्छा लग रहा है ये। देखो एक एक पीस निकल गया है इसका, अलग अलग हो गया है बिल्कुल। ये खाने में बहुत मज़ा देगा। ये फाइनल तैयार हो गया है। ये मैंने गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया छिला लिया है। ये देखो पूरा एक एक पीस नज़र आ रहा है इसका। तो एक बार ऐसे करके आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगेगा। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।